नीरव मोदी पीएनबी बैंक में 11,500 करोड़ का घपला करके फरार हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। घपले में शामिल पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि अगर ये घोटाला ना होता और ये पैसा देश में ही होता तो इन 11,500 करोड़ रुपए का देश की तरक्की में कितना योगदान होता। 11,500 करोड़ रुपए में 12 एम्स बन जाते, 48 आईआईटी बन जाती, 11,500 करोड़ रुपए में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत अभियान के तहत 76 लाख शौचालय बन जाते। पीएम मोदी ने 2022 तक हर सिर को घर देने का वादा किया है। इतने रुपए में 7,60,000 घर बन जाते। 11,500 करोड़ रुपए में 2,280 किलोमीटर लंबी सड़क बन जाती। लेकिन ये सब तब होता जब ये घोटाला ना होता और ये पैसा देश में ही रहता।